मैं फिर भी कहांगा भाई पाकिस्तान नालों तो बहुत ही बेहतर हालात ने। इन्ना प्यारा मौसम आस्ट्रेलिया का देखो सर, कितने पाकिस्तान की गर्मी च खप रहे हो, लेकिन खैर वीडियो वाला आने। धड़कते दिल और सुनते कानों को आस्ट्रेलिया से सबर उम्र का सलाम। अच्छा यार, बहुत से क्वेश्चन हो रहे हैं कि भाई आस्ट्रेलिया कैसे आना है, फिर वही सवाल। हालांकि मैंने डिप्लोमा वीजा में बता दिया था कि क्या प्रोसेस है, किधर से कहाँ तक। तो अब फिर लोग पूछ रहे हैं भाई कैसे आ सकते हैं। तो भाई एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बनाने लगा हूँ। आस्ट्रेलिया आने के क्या तरीके हैं भाई? एक तो भाई ये स्टूडेंट वीज़ा, एक वर्क वीज़ा, एक विजिटर वीज़ा। अब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, तो इंडिया का आई थिंक स्लाइटली थोड़ा सा उनको एज होता है कि उनकी गवर्नमेंट के थोड़े रिलेशंस अच्छे हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, एंड दे डू प्रेफर के इंडियन पीपल, इंडियन स्टूडेंट्स आए एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। खैर चलें, ये भी मुद्दा नहीं, पाकिस्तानी भी ढेर सारे आ रहे हैं। तो स्टूडेंट वीजे का यार मैंने बताया है, वही आपने अप्लाई करना है, बैचलर में आना, मास्टर्स में आना या डिप्लोमा में आना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। उस सिनेरियो के मुताबिक भी देखना पड़ेगा ना। अब जो एफएससी कर रहा है वो डायरेक्ट मास्टर्स में तो आ नहीं सकता, सारी सी बात है, या डिप्लोमे में जाएगा या बैचलर में। डिप्लोमे के बहुत वीजे लगे हैं कोविड के बाद, बेतहाशा लोग आए, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा जरा इन्होंने स्लो डाउन कर दिया डिप्लोमा वीजा को, और ये बैचलर या मास्टर्स वीजा ज्यादा लग रहे हैं। अब खैर आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वीजा लोग आ भी रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है अब इसमें। तो भाई वही यार, डिप्लोमा हो, बैचलर हो, मास्टर्स हो, यार वही ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी को आपने रिक्वेस्ट करनी है कि हम एडमिशन दे, वो आपको ऑफर लेटर भेज देंगे कि हम आपको एडमिशन देना चाहते हैं। जब वो आ जाएगा उसके बाद फिर वही प्रोसेस है यार, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स, ये वो एफिडेविट के भाई पाकिस्तान में तो मेरी करोड़ों की जमीन है, मैं तो सिर्फ पढ़ने आना चाहता हूँ, वही जो लोग सारे शो करवाते हैं आप जानते ही हैं, तो वो सारा कुछ शो करवा देना है कि भाई ये असासी है, ये जमीन है, मैं तो एक्सप्लोर करने आ रहा हूँ, मेरे पास तो पैसा पहले ही बहुत ज्यादा है। तो ये सारा कुछ आपने करना है, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दिए, जीटी ये वो सारे भेज दिए, फीस सबमिट करवानी है। जब आ जाएगा सीओई, मतलब कि हम आपको, अब एम्बेसी की गवर्नमेंट भी चाहती है कि आपको एडमिशन दे, आप ले लें, तो सीओई सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट जिसको आप कहते हैं, तो वो आ जाएगा। उसके बाद आपने फीस सबमिट करवा देनी है, जितनी भी होगी फीस सबमिट होगी, उसके बाद वीज़ा अप्लाई कर देना है। वीज़ा किसकी बेस पे अप्लाई होता है? जब आपका सीओई आ जाता है, तो सी सम हो आप कह लेंगे 70% आप करीब पहुंच जाते हैं, उसके बाद वीज़ा आ जाएगा। वीज़े के बाद भाई टिकट है तो आस्ट्रेलिया। आस्ट्रेलिया में क्या मसले मसाइल हैं आजकल, वो उस पर मैं लेदर वीडियो बनाऊंगा, ये सिंपल सा आपको तरीका बता दिया। अब अगर मजीद डिटेल में जाना है कितने पैसे ये, वो तो आप मेरी डिप्लोमा वीजा वाली वीडियो देख सकते हैं कि खर्चे क्या क्या हैं, मेडिकल ये वो सारी, फिंगरप्रिंट्स, वीजा फीस कितनी है, ये सारा कुछ उसमें मौजूद है। ये आ गया नंबर दो, जो वर्क वीजा जिसको मोमन लोग कहते हैं, यार जो लोग पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी वाशिंगटन अकॉर्ड से अफिलियटेड है उनके लिए, जिसको हम कहते हैं कि यार आप स्टूडेंट वीजे पे आते हैं ना, आपको बाद में टीआर मिल जाती है, टेम्पररी रेजिडेंट, जिसको वर्क वीजा भी कहते हैं, तो ये मिलती है लोगों को, ये उन लोगों को मिलती है जो यहाँ पे स्टूडेंट वीजा जिनका खत्म हो गया उसके बाद वर्क वीजा मिलता है। अब पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वर्क वीजा पे, वो ये होता है कि आपकी वाशिंगटन अकॉर्ड में यूनिवर्सिटी हो तो आप डायरेक्ट वर्क वीजे पे आ सकते हैं, जिसको 495 मतलब ये वर्क वीजे पे आ सकते हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं इस वीजे को आने में, तो अमूमन लोग उस पर भी आ जाते हैं। अब जब वो वीजा यहाँ आके खत्म होता है तो फिर वो दोबारा स्टूडेंट वीजा या आपकी पीआर सिटीजनशिप का ट्रैक खुल जाता है, वो डिपेंड करता है कि तब क्या सिनेरियो होगा, वो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है। पीआर का यार किसी दिन बताऊंगा कि क्या पॉइंट सिस्टम होता है, उस पर बाद में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये वर्क वीजा हो गया। तीसरा विजिटर वीजा। अब विजिटर वीजा मुश्किल है, काफी मुश्किल है, आते हैं लोग इंडिया पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान में बहुत थोड़ा लिमिटेड है, और मूमन फ्रॉड भी बड़ा चल रहा है, आपका विजिटर वीजा लग गया और इधर आके पता लगता है वो विजिटर वीजा है ही नहीं, और यहाँ से फिर वो आपको वापस किक करते हैं, इसलिए उसमें फ्रॉड बहुत ज्यादा है, तो उसके चांस तो मैं समझता हूँ 5-10% है विजिटर वीजा के। तो स्टूडेंट वीजा या वो लोग जो बैचलर कर चुके हैं और वर्क वीजा पे आना चाहते हैं, लेकिन वाशिंगटन अकॉर्ड में उनकी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, उनकी लिस्ट में हो, मतलब जिस साल का आपका बैच है, इलेक्ट्रिकल की है, जो भी की है, वो बैच उसमें हो, तो उस बेस पे वो वीजा लगता है। तो भाई स्टूडेंट वीजा है ये ऑप्शन है, डिप्लोमा पे आए, बैचलर पे आए, मास्टर्स पे आए, बस आ जाए। बाकी यार जो कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के हालात बड़े खराब हैं, ये है तो वो, उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा कि भाई जॉब क्या आजकल, क्या सिनेरियो, और अकोमोडेशन जो रिहाइश है, कितने मसले मसाइल हैं वो बताऊंगा। लेकिन मैं फिर भी कहांगा कि भाई पाकिस्तान नालों तो बहुत ही बेहतर हालात ने, पाकिस्तान नालों बहुत बेहतर हालात ने, इंशाल्लाह आप लोगों को आना चाहिए यार,
बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे जी ना होते इतने तो मसले बड़े, यार नो डाउट बड़े मसले होंगे, नहीं उतनी कमाई रही अब, लेकिन यार पाकिस्तान से तो बेहतर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार आप लोग जरूर ट्राई करें इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने आपका दाना पानी इधर लिखा तो आपने पहुंच ही जाना है। मैं खैर अपनी स्टोरी कभी बताऊंगा, मैं तो कभी दुबई का भी नहीं सोचा था, अल्लाह ने ऑस्ट्रेलिया सात समुद्र पार छोड़ दिया, इस वजह नाल होप नहीं तो ये लूज करनी थे, इंशाल्लाह मिलने तो इतने। बाकी यार कोई रिहाइश ये वो मसले में सहलो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ जहाँ तक कर सकें। बाकी सर ख्याल रखो, अल्लाह तुहाडा हमीना सर। ग्रॉसरी के तो आपको व्लॉग्स दिखा ही चुके हैं, कितनी महंगी है ये क्या ये फिर बताएंगे कभी।